पत्रकारों को साथ में जो घटना हुई है उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। जो पत्रकार है देश का चौथा स्तंभ है और हम लोग के ऊपर यदि हमला होता है तो बहुत बड़ी निंदनीय है, क्योंकि हम दूर दराज संवेदनशील एरिया कई प्रकार के हम लोग गतिविधियों पर हम लोग जाते रहते हैं, आना जाना करते हैं, इसलिए हमारे पर जो हमला होना एक बहुत बड़ा आघात है, एक बहुत बड़ा घटना है। देखिए, पत्रकारिता आज के समय में आसान नहीं रहा है। पत्रकार जब सुबह निकलता है तो ये सोचकर निकलता है उस पर कितने हमले होंगे, कितने आरोप लगेंगे, उस बीच निर्भीक होकर पत्रकारिता करना आज एक चिंता का विषय रह गया है। पत्रकार गांव देहात में जीने वाले पत्रकार जो अंदर के गांव में रहते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनके जान को हमेशा खतरा बना रहता है और न जाने कब कौन हमला कर दे, किस समाचार पर, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए मेरा मांग है कि अति शीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून बने और हम सबको सुरक्षा प्रदान करें। पत्रकार सुरक्षा कानून ऐसा बनना चाहिए कि लोग, पत्रकार जब समाचार लगाता है, भ्रष्टाचार को खोलता है, तो उनके खिलाफ FIR पुलिस में हो जाती है। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैंने लगातार जब भी कोई भी भ्रष्टाचार को, पंचायत का हो चाहे कोई भी सड़कों का हो, ठेकेदारी स्तर पर, मैंने जब भी समाचार लगाया, बड़ा समाचार, बड़ा घोटाला उजागर किया, तो मेरे के खिलाफ फर्जी FIR हुआ है। हमें भी डर लगता है जबकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं, और जहां तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम उसका पक्ष लेकर कभी काम नहीं किए करते, लेकिन उसके बावजूद भी आसान नहीं है। बस्तर में खास करके पत्रकारिता करना आसान नहीं है। शासन से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि इस बार वर्तमान में जो सरकार है उसने अपनी घोषणा पत्र में भी ये लिखा था कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर एक कानून बनाया जाएगा। हमें अपेक्षा है सरकार से कि ये जल्द एक कानून लागू होगी और पत्रकारों को निर्भीक होकर काम करने का मौका मिलेगा।